जय हिंद, नमस्कार साथियों। जय हिंद साथियों। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह पेरवाल, आपके अपने YouTube चैनल इंदौर फिजिकल एकेडमी से। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी। भाई लोगों, YouTube पे बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मेरे YouTube फैमिली का बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहा था कि सर ये बवाल क्या चल रहा है, ये वीडियो वायरल क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना ज्यादा बवाल होने के कारण भी आप लोग अपनी फैमिली के साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार दिल से तालियां बजाएं। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ में बैठकर देखना है, और कभी फैमिली में नहीं है तो अपनी फैमिली को जरूर बताना कि यह बात क्या है, क्या रहस्य है इस बात का। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है एक गुजरात वाले बंदे का। वो वीडियो दोस्तों बराबर 3 महीने पुराना का वीडियो है, 3 महीने पुराना वीडियो है। बंदा ऑफिस में मेरे पास आया कि सर मैं घर जा रहा हूं। कि बेटा घर क्यों जा रहे हैं, तो उसने एक रीजन बताया लड़की वाला। उसने बंदे ने मुझे रीजन बताया लड़की वाला कि सर मैं यहां पर नहीं रह सकता हूं, मेरे साथ में बहुत बड़े आके हादसा हो गया और मैं यहां पर नहीं रह सकता हूं। तो मैंने पहले जब बंदा एडमिशन करवाता है दोस्त, मैं उसको समझा देता हूं कि बेटा जब ट्रेनिंग की जो फीस जमा होती है, रहने खाने की फीस जमा हो जाती है, उसके बाद में वापस रिफंड नहीं होता। ये बोलता हूं सभी को। ओके, मात्र बंदे ने 6,000 रुपए दिए थे मुझे। बंदा 6 से 7 दिन रहा यहां पर। वो जो रहना और खाने की जो फीस है, हॉस्टल की जो फीस है दोस्तों, वो मैंने हॉस्टल वालों को जमा कर दी थी 4,000 रुपए। बात आती 2,000 रुपए। अब उस बंदे ने बोला कि सर फीस रिफंड कर दो, तो मैंने उसको ऑफिस में यही बोला कि बेटा फीस जमा होने के बाद में वापस नहीं होती है, जितना आपका किराया लग रहा है वो किराया उससे ले लो और आप अपने घर चले जाओ, और जब आपकी मर्जी हो तब वापस आप आ जाना, आपका कोई चार्ज नहीं। ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ पहले से। ओके दोस्तों, तो मैंने उसको यही समझाया, वो बंदा बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में कोई भी एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी उस बंदे के साथ कि तुम्हें इस सर को कैसे फंसाना है। मेरी बात खत्म हो गई थी, इसके बाद में मैं ऑफिस से उड़ गया था। मैं बाहर हमारी पर्सनल एक बहुत ही खतरनाक वाली बात कर रहे थे हम, क्योंकि बहुत सारा टेंशन रहता दोस्तों। हम दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे और वो बंदा आया, बंदा आया और उसने पता नहीं कैसे क्या रिकॉर्डिंग करी। मोबाइल उसके पास कम से कम 25 से 30 हजार का मोबाइल था, उस मोबाइल में दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी। बंदा मुझे बोला था कि सर मैं घर से बहुत ज्यादा गरीब हूं। तो बंदे को मैंने बोला कि भाई तू गरीब है तो तेरे जेब में ये 20-22-30 हजार का मोबाइल रखा, ये कैसे तेरे पास, ये बताओ। बंदा माइंडेड था क्योंकि मेरे ऊपर साजिश रची जा रही थी कि इस बंदे को कैसे ना कैसे फंसाना है। बंदे ने मोबाइल रख लिया तो मुझे ये बोला कि भाई मुझे मत सिखा, तू किसान को और बाप को मत सिखा। मैंने उसको वीडियो में यही बोला कि किसान को और बाप को मत सिखा कि तेरे पास इतना बड़ा मोबाइल रखा हुआ है और तू ये बोल रहा है कि सर मैं गरीब हूं। गरीब कहां से, तू ये बता। और आप खुद जानते दोस्तों, हॉस्टल मेरा नहीं है, मैस मेरी नहीं है, क्योंकि मैं 4,000 रुपए तो वहीं पे दे देता हूं, बचे उसके 2,000 रुपए। 2,000 बचने के बाद भी मैंने उसको ये बोला कि बाबू जो किराया लग रहा है मैं देने के लिए तैयार हूं। अब मैंने कौन सी गलती करी बताइए आप मुझे। बंदा मुझे बोल रहा है कि सर मैं आपका हाथ पैर जोड़ता हूं, प्लीज मुझे पैसे दे दो। ठीक है बाबू, आप तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा गुरु, आप हाथ पैर जोड़ सकते हो, लेकिन जो फीस है वो मैंने जमा करवा दी है, मात्र आपके 2,000 रुपए। जो किराया लग रहा मैं देने के लिए तैयार हूं आप लोगों को। फिर बंदा तब भी नहीं माना। फिर वापस मैंने सोचा कि यार क्या कर सकते, बंदा बहुत ज्यादा वो हो रहा है। फिर वापस दोस्तों मैंने उसको अपनी पूरी फीस वापस कर दी। उस बंदे से पूछो, कभी भी किसी बंदे से पूछो क्या फीस वापस करी या नहीं करी। जी हाँ दोस्तों, मैंने उसकी फीस वापस कर दी। अब बताइए, इतना बड़ा बवाल हो रहा है कि ऐसा वैसा। अरे भाई, पहले समझ में नहीं आया आप लोगों को, 3 महीने पुराना है। 3 महीने पहले भी लोगों ने मेरे साथ में बहुत ज्यादा साजिश रखी गई थी कि इंदौर फिजिकल एकेडमी आप लोग आइए, ये यहां पर इतने बंदे बैठे हुए हैं। इंदौर फिजिकल एकेडमी गलत होती तो क्या ये बंदे यहां पर टिकते क्या? आप मेरी कसम खाओ, यहां पर ट्रेनिंग कैसी लग रही है? खाओ अपनी मां की कसम, कभी सच्चा प्यार करते हो? ट्रेनिंग में मजा आ रहा है? रहना खाना मजा आ रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम सही जगह आए? दोस्तों, आप खुद सॉल्यूशन करिए। आप अपना इस वीडियो को अपने माँ बाप को बताइए, कभी यहाँ पर इंदौर फिजिकल एकेडमी गलत होती तो ये बंदे, इतने सारे बंदे क्या टिकते के यहाँ पर? ये बंदे भी यहाँ से भग जाते। यहाँ पर बंदे लॉकडाउन भी वाले हैं। सेकंड बात,
यहाँ पर बंदे जिसको 5-5 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए, वो बंदे भी यहाँ पर है। यहाँ पर रहने का मुख्य कारण यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर बंदों को अच्छे से ट्रेन कराया जाता है, बंदों को यहाँ पर अच्छे से खाना पीना मिलता है, इसलिए बंदे यहाँ पर है। झूठ बोल रहा हूँ? तो आप लोग गुमराह करने वाले से सावधान रहिए, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। मैं भी अच्छे से बच्चों को मेहनत करवा रहा हूँ और हर एक ट्रेनर यही चाहता है कि बंदा यहाँ पर आया है तो यहाँ पर आया है लेकिन यहाँ से फौजी बनकर जाए तो मेरा नाम रोशन होगा, मेरी संस्थान का नाम रोशन होगा, मैं यही चाहता हूँ। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज जो आप लोग ये गुमराह हो रहे हैं दूसरे के वीडियो से, ये बवाल मचाए, इसको आप इग्नोर करिए, क्योंकि आपको लेना है वर्दी। और हर एक सच्चा हिंदुस्तानी होगा, हर एक सच्चा हिंदुस्तानी होगा तो इस वीडियो को पूरा फोकस करेगा, अपने माँ बाप को बताएगा। और एक बार वापस बोलूंगा दोस्तों, मैंने उस गुजराती बंदे की फीस वापस कर दी, लेकिन वो बंदा झूठा है क्योंकि उसके पास 30-40 हज़ार का मोबाइल है, 30 हज़ार का मोबाइल है, वो बंदा रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो मतलब समझ जाओ कितनी बड़ी साजिश है मेरे साथ। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, वीडियो को भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बंदा घुमरा हो रहे हैं उन बंदे को थोड़ा लगे सर कि क्या चल रहा है। कभी गलत होता तो ये बंदे यहाँ पर सैकड़ों बंदे बैठे हुए हैं, ये सैकड़ों बंदे यहाँ पर बैठे हैं तो ये नहीं भग जाते? आपको कैसा लग रहा है पे? ट्रेनिंग में मजा आ रहा है? रहना खाने में मजा आ रहा है? और यहाँ पर बात आती 2-4 हज़ार बातें। बाबू आप बताइए मुझे, ध्यान दीजिए मेरे ख्याल, आपसे मैंने कितने रुपए लिए? 1 रुपया भी लिया क्या? आपसे मैंने ट्रेनिंग का 1 रुपया भी लिया क्या? सेकंड बात, जो आपका रहना खाना आप कहाँ जमा कराते हैं? हॉस्टल में करवाते हैं कि मुझे देते हैं? हॉस्टल में देते ना। आप खुद भी जानो बेटा कि आप जब 4 हज़ार जमा करवाते हैं, अब तो मैं हैंड टू हैंड 4 हज़ार रुपए मेस वालों को दे ही देता हूँ, आपको पता है? तो मैं मेस वाले को 4 हज़ार रुपए जमा करवा देता हूँ तो मैं अपने घेरे से थोड़ी दूंगा। जब बच्चे का एडमिशन होता तभी मैं बता देता हूँ, बताता हूँ ना कि बाबू ट्रेनिंग की फीस जमा होने के बाद में वापस नहीं मिलेगी, मेरी हॉस्टल नहीं है, मेरी मेस नहीं है, मुझे उनको 4 हज़ार रुपए पर मंथ देना पड़ता है। यस है ना? आप सभी लोग खुश हो? और आप सभी को ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर सही जगह है? दोस्तों आप खुद भी जानो, आप लोगों को जो घुमरा कर रहे हैं उनसे सावधान रहिए। और ये सैकड़ों बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सैकड़ों बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कभी यहाँ पर गलत होता तो ये बंदे भी यहाँ पर नहीं टिकते। क्या बोलना चाहोगे आप लोगों को? सर हम लोग बहुत बढ़िया जगह है और बहुत बढ़िया से है सर, और हम लोगों को आशा है कि हम लोग यहाँ से नौकरी पाकर ही जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लव यू सो मच, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज्यादा बवाल होने के कारण भी आप लोग अपनी फैमिली के साथ में जुड़े हैं। मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पर हर बंदा बैठा हुआ है, हर बंदा बेटा, हर बंदा फौजी बनेगा। और सेकंड बात, नॉर्मल सेकंड बात दोस्तों, बंदे चलो ठीक है वीडियो वाला बता दिया ना, अब मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ से सैकड़ों बंदे फौजी बनते हैं, क्या उनका वीडियो अपलोड नहीं करा? क्यों नहीं करा? अरे भाई यहाँ पर हर दिन फौजी आते हैं, अभी 2 बंदे फौजी आए थे, उनने उसका वीडियो यूट्यूब पर क्यों अपलोड नहीं करा कि यहाँ पर 2 बंदे फौजी आते हैं? हर चीज नेगेटिव बताएगा, पॉजिटिव चीज कोई नहीं बताएगा। अरे कभी आप इतने बड़े यूट्यूबर हो तो कल हमारे यहाँ पर 2 फौजी बंदे आए थे, हमने यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड करा, उसको बताओ ना कि यहाँ पर इंदौर फिजिकल एकेडमी में फौजी बनकर आए हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे आप सही हो तो आप हमारे यूट्यूब पर वीडियो भी बनते हैं कि फौजी यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर सैकड़ों बंदे फौजी बने, वो बोलो कि इंदौर फिजिकल एकेडमी में सैकड़ों बंदे फौजी बने, बोला क्या? दोस्तों गुमराह करने वाले से आप लोग सावधान रहिए, आप मेरे परिवार हो, परिवार के सदस्य हो और मेरे आप अपने हो। तहे दिल से धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भारत माता की जय। और मैं खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर हर बंदा यहाँ पर खुश है, बंदा बोलता है कि सर मुझे मजा आ गया, तो मैं खुश हूँ और मैं बंदों को अच्छे से ट्रेनिंग करवाऊंगा, मेहनत करवाऊंगा। और बस मालिक जब तक साथ दे रहा है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। भारत माता की जय।